मेरे सामने एक होंडा की आप देख रहे हैं शाइन बाइक है, और दोस्तों ये जस्ट अभी मेरी शॉप पे आई है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसके आरपीएम को जब सेट कर रहे हैं तो गाड़ी ओवर रेस कर रही है, और जब कम कर रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद पड़ जा रही है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है, और ये पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही है, चलने में भी बहुत ज़्यादा कोई खास मज़ा नहीं आ रहा है कस्टमर का कहना है, तो इसलिए मेरे पास आई है। तो चाबी स्विच को ऑन कर लूँगा, सबसे पहले आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम दिखाएंगे आखिर कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, गाड़ी तो स्टार्ट हो गया, जैसे ही रेस छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जा रही है, बंद देख रहे हैं आप। तो दोस्तों गाड़ी तो प्रॉपर स्टार्ट हो रही है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जैसे ही एक्सीलेटर से हाथ अटा रहे हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में वो आपको दिखाएंगे, उसके लिए सबसे पहले मुझे इसका यानी इसका टैपी ढक्कन ओपन करना होगा, आपको दिखाऊँ। ज़्यादातर होंडा शाइन की सभी बाइक में दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है वो मैं अभी आपको बताऊँगा, और जिस तरीके से हम आपको बताएंगे दोस्तों इसी तरीके से होंडा शाइन में काम करना है, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि होंडा शाइन के एवरेज पे वीडियो बनाइएगा। तो एवरेज का जो भी होता है दोस्तों इसके टाई फिट से होता है, गाड़ी चाहे कोई भी हो दोस्तों, अगर टाई फिट अच्छे से सेट नहीं होंगे तब आपकी गाड़ी आरपीएम भी ठीक से नहीं लेगी और आपकी गाड़ी पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी। तो सभी गाड़ियों के अकॉर्डिंग इस गाड़ी के टाई फिट थोड़ा अलग तरीके से मिलते हैं, तो उसके लिए मैं फटाफट इसके टाई फिट ढक्कन को कर लेता हूँ ओपन, और इसके ढक्कन को खोल के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको इसके टैपिट सेट करना है, क्योंकि टैपिट का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपकी गाड़ी के टैपिट अच्छे से सेट नहीं होंगे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, उसकी वजह से पेट्रोल भी ज़्यादा खाती है। तो फटाफट इसके ढक्कन को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसके टैपिट आपको सेट करना है। इसकी टंकी को हटाया गया है और इसके टैपिट ढक्कन को यहाँ पर ओपन किया गया है, तो इस तरीके से टैपिट ढक्कन को बाहर निकालेंगे दोस्तों आसानी से। अभी आपको दिखाते हैं कि इसके टाई फिट में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है और टाई फिट किस तरीके से सेट करना है वो हम आपको बताएंगे। तो इसके ढक्कन को ओपन करते हैं, पहले इसके टाई फिट ढक्कन को खोला गया है, पिस्टन को टॉप पे किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे पिस्टन को मैंने टाइम इन को निशान पे ले रखा है। अगर इसके टाई फिट की बात करेंगे तो दोस्तों सिर्फ क्या है साइड प्ले, यानी कि इनलेट वाले बाल में सिर्फ साइड प्ले है और यहाँ भी सिर्फ साइड प्ले है। जी नहीं दोस्तों, इस तरीके से अगर टैपिट सेट रहेंगे आपकी गाड़ी ना ही तो हरगिज एवरेज देगी ना ही आपकी गाड़ी प्रॉपर ट्यूनिंग लेगी, क्योंकि होंडा शाइन के टैपिट कुछ अलग तरीके से मिलते हैं। तो किस तरीके से मिलते हैं इसके लिए आपको 10 की चाबी लेना होगी और टैपिट का पुलर लेना होगा। तो फटाफट मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से आपको टैपिट सेट करना है। तो इसके टैपिट को मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, आपको दिखाना चाहूँ दोनों टैपिट में ऊपर नीचे प्ले देना है किस तरीके से। बाल बराबर ऊपर नीचे पिले, इस वाले टैपिट में भी आपको बराबर ऊपर नीचे की पिले देना है और इस वाले टैपिट में भी आपको ऊपर नीचे की पिले देना है, ठीक है। साइड पिले नहीं देना है, ऊपर नीचे दोनों में पिले दे दीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाएगी। दोनों बाल में ऊपर नीचे पिले, फटाफट टैपिट ढक्कन को लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करके इसके प्रॉपर आरपीएम आपको सेट करके दिखाते हैं। इसके पेट्रोल टैंक को लगाया गया है, उसके साथ साथ आपको स्पार्क प्लग का गैप चेक करना है। तो इसके स्पार्क प्लग को ओपन कर लेंगे, अगर दोस्तों आपके स्पार्क प्लग का गैप ठीक नहीं होगा तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आरपीएम में भी दिक्कत आएगी और गाड़ी में थोड़ा मिसिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो गैप कितना रखना है वो आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले स्पार्क प्लग को ओपन करना होगा मुझे। स्पार्क प्लग को बाहर निकालते हैं, तो इसके स्पार्क प्लग को निकाला गया है, इसका गैप देखें तो गैप काफ़ी कम है, 7 mm के आसपास इसका गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले स्पार्क प्लग का गैप बढ़ा लेते हैं, इसके गैप को बढ़ा दिया गया है, इस तरीके से गैप आपको रखना है। और फटाफट इसको लगाता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करके इसके आरपीएम की सेटिंग आपको दिखाते हैं। सारी चीज़ों को फिट कर दिया गया है, गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे, चाबी स्विच को यहाँ पे कर लेंगे ऑन, अभी हमने कुछ नहीं किया है, उम्मीद करते हैं आरपीएम अच्छे से अपने आप सेट आ जाएंगे। आप आरपीएम देख सकते हैं, इस बार बंद कर लेते हैं गाड़ी, स्टार्ट करके दिखाते हैं, बिल्कुल 0 RPM पे गाड़ी स्टार्ट खड़ी है। तो जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई दोस्तों
इसी तरीके से आपको आरपीएम सेट करने के लिए इसके टाइपिट और स्पार्क प्लग का गैप अच्छे से चेक करना है। तो आपने देखा गाड़ी प्रॉपर स्टार्ट खड़ी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अच्छे से आरपीएम आपको दिखा दूं, एकदम साइलेंट हो गई है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।